हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप सभी लोगों के लिए दिवाली मेकअप लुक लेके आई हूँ। इस दिवाली अपने घर में कैसे रहना, कैसे तैयार होना है, और इस मेकअप में मैं कोई भी ब्रश यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सारे मेकअप मैं अपने हाथों से ही करूँगी। और अगर आई होप अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये मेकअप मेरा पसंद आता तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसमें मैंने कोई भी फाउंडेशन का यूज़ नहीं किया है। मैं सिर्फ सीसी क्रीम से अपने मेकअप लुक को क्रिएट करूँगी। लैक्मे का 925 सीसी क्रीम है, काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा मेकअप इससे हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो सामान है हम उससे ही काफ़ी अच्छा मेकअप कर सकते हैं। तो मैं उसी को आपको करके दिखाऊंगी। और देखिए, काफ़ी अच्छा मैंने एक लुक क्रिएट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस पे टोनर लगाऊंगी। ये टोनर लोटस का है। अगर आपके पास टोनर ना हो तो आप इसके जगह पे रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। ऐसे टैप टैप करते हुए पूरे अपने स्किन पे लगा लें। टोनर ज़रूर लगाएं। और मैंने अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, क्योंकि स्किन केयर करनी बहुत ज़रूरी है मेकअप करने से पहले। अब इसे सूखने दें। जब ये थोड़ा सूख जाए तो अब इसके बाद मैं सीरम लगाऊंगी। सीरम लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे आपका स्किन काफ़ी ग्लो होता है। मेकअप करने के बाद स्किन ग्लोइंग हो जाती है। और इसके बाद मैंने प्राइमर भी लगा लिया था, और अब मैं कंसीलर लगा रही हूँ। जहाँ पे दाग धब्बे हैं वहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया, और मैं इसे हाथों से ही मिलाऊंगी। और हाथों से काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। मैंने इस मेकअप में ब्यूटी ब्लेंडर का यूज, ब्रश बिल्कुल यूज़ नहीं किया। और मैं अब सीसी क्रीम लगा रही हूँ अपने फेस पे, अपने आँखों के नीचे, गर्दन, सारी जगह मैंने सिर्फ सीसी क्रीम अच्छे से इसे मिला लिया। और मैं सारे मेकअप हाथ से ही करूँगी, उसे काफ़ी अच्छे से मिला लें। तो सीसी क्रीम लग चुकी है। अब मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, और इसे भी काफ़ी अच्छे से मिला लें। अपना आई मेकअप करूँगी, तो वो भी मैं हाथों से ही करूँगी। ये इस मेकअप में मैंने सिर्फ अपने हाथों का उपयोग किया है, मैंने ब्रश की सहायता नहीं ली है। और मेरे ड्रेस के जो कलर है, मैं उसी कलर से मैं अपने आई शेडो उसी कलर का मैं लगा रही हूँ। और उसमें गोल्डन टच दूँगी, अपने आईज कॉर्नर के पास मैं गोल्डन कलर दूँगी, लगाऊँगी। और मैं इसे हाथों से ही मिलाऊंगी, और हाथों से काफ़ी अच्छे से लग जाता है। देखिए, और अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। ये लिक्विड आईलाइनर है लैक्मे का, क्योंकि मेरा ब्रश वाला सूख गया था तो वो मैंने इसी को अप्लाई कर लिया। आईलाइनर लगाने से आंखें काफ़ी खूबसूरत हो जाती है वाकई में। तो मैंने आईलाइनर लगा लिया है। और देखिए, लग चुका है। इसमें थोड़ी देर सूखने दूंगी, नहीं तो ये फैल सकती है। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। इसे भी बहुत आराम से लगाएं। देखिए, ये लिपस्टिक मेरी पुरानी हो चुकी है, तो मैं इससे ब्लशर लगाऊंगी। और देखिए, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं हमेशा इसे लगा लेती हूँ जब मेरे पास ना नहीं होता है कुछ भी, और इसे काफ़ी अच्छा एक लुक आ जाता है। तो पुरानी लिपस्टिक जिसे आप यूज ना करते हो तो उसे आप ब्लशर, एज ए ब्लशर यूज कर सकते हैं। ऐसा
ऐसा नहीं है कि हमारे पास मेकअप प्रोडक्ट ना हो तो हम मेकअप ना कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसे ब्रश से मिला लूँगी और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं कॉम्पैक्ट सेट करने के लिए लगा लूँगी। अब मैं लिपस्टिक लगाऊँगी, ये काफ़ी प्यारा शेड है, ये बेस्टिज का है। कलर मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा यही लगा लेती हूँ। और अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, और हाइलाइटर तो जरूर लगाएं। जिस एरिया को आपको हाईलाइट करना है तो मैं नोज़ पे लगा रही हूँ, जहाँ पे आपको हाईलाइट करना वहाँ पे आप हाइलाइटर लगा लें। और मैं हाथों से थोड़ा सा मैं अपने आईज कॉर्नर पर लगा लूँगी, काफ़ी एक अलग सा लुक आ जाता है। आप चाहो तो नहीं भी लगा सकते हैं। और मैं अपने आईब्रो के नीचे भी थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। अब मैं कान में झुमके पहन लेती हूँ। और घर का फंक्शन तो बहुत हैवी मेकअप मैंने नहीं किया, लेकिन अच्छा मेकअप लग रहा था। और मैंने आईब्रो को आईब्रो पेंसिल से मैं फिल कर रही हूँ उसे, और आईब्रो को फिल करने से एक अच्छा लुक आईब्रो का आ जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने गले में एक छोटा सा नेकलेस छोटा सा पहन लिया है। और देखिए फाइनली मेरा ये लुक कंप्लीट हो चुका है, और ये है मेरा मेकअप लुक फाइनली। और अगर मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। ये मैंने हाथों में ये पहन लिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और फिर मैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।